फिर से एक बार कांड हो चुका है। वो ऐसा है कि हमारे जो बुलेट का साइलेंसर है वो ही गिर गया। कुछ जाता है कुछ जाते अभी इकड़े मैकेनिक ढूंढेंगे साइलेंसर टाइट करवाएंगे। तो नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? नागपुरी ट्रैवलर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की डेट है 12th of August और अभी रात के बज गए 8। मैं आया हूँ थोड़ा सा बाहर से, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था। मेरी जो कार है, मतलब हमारी जो कार है, उसका थोड़ा सा काम चालू है, पेंटिंग का, तो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो गया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ काम था तो मैं वहीं पे था आज। तो मैं ये वीडियो आज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल हम जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा सा ही जा रहे हैं क्योंकि पास में जा रहे हैं। तो कल की डेट है 13th of August और मॉर्निंग 6:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे और कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। बस ऐसे एक राइड मार के आना है बाइक पे, तो आपको पता चलेगा और आपको देखने को मिलेगा मोटो व्लॉगिंग मेरी चैनल पे पहली बार आप सभी को। तो थोड़ा सा स्टे ट्यून रहिए, कल सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे निकलना है और मुझे सुबह 5 बजे कैसे भी करके, 4:30 से 5 बजे तो मुझे कैसे भी करके उठना ही पड़ेगा क्योंकि पूजा वगैरह करके और गाड़ी वॉश करके करना है। तो वैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती रहती है मेरे साथ में, जैसे कि मेरा जीवन है, तो पता चलेगा आप सभी को कि कैसे क्या है। तो और कल क्या कारनामे होते हैं हमारे साथ आपको वो भी पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए और मिलते हैं कल वैसे आप सभी को डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप के साथ में। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब आ गया। तो अपनी जो आज की राइड होने वाली है वो होने वाली है इस पे, तो इस पर चमकाना तो ज़रूरी है। और कभी भी ध्यान रखना, आपकी बाइक अगर आपको प्यारी है तो कभी भी जब गाड़ियों पे धूल बैठती है, थोड़ी सी डस्ट बैठती है, उस वक्त डायरेक्टली कपड़ा नहीं मारना बाइक पे। उसका रीज़न ये है, जब आप डायरेक्टली उसके ऊपर कपड़ा मारते हो तो पेंट वगैरह ख़राब होने के चांसेस होते हैं और सोल मार्क्स उस पर ज़्यादा आते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, पहले पानी मार लेना, उसके बाद में फिर गीले कपड़े से उसको पहले पोंछ लेना। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त, बाय। तू हा विचार कर, मला किती टेंशन असेल। आता होईल बंद व्हायच्या पहिले बसून जाऊ म्हणत सर। मैं इतना ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा अभी फिलहाल क्योंकि हमारी बुलेट जो है वो फाइनली स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ जो इतना खतरनाक इंसिडेंस हुआ अभी आपको मैं बताऊंगा ना, तो आप बोलोगे कि क्या हिमांशु की किस्मत है। जिनू कॉर्नर पे अभी हमें पहुंचना है, हम कैसे निकल रहे हैं और जा कर रहे हैं भी आपको रास्ते में बताएंगे। और बुलेट पे है फिलहाल और बस का अभी हमारे दोस्त ये रेगुलर अभिषेक आधे घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं और हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास तो नहीं बट हमारे साथ में ऐसा बोलती है कि क्या ही पता है तो बता दो अभिषेक। अभी हम मिथुन को
लेके बैठ के घर पे जाने वाले हैं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहेगा, आधा किलोमीटर का ट्रिपल सीट जाना पड़ेगा। हाँ, तो भैया बता रहा था कि पहले तो मैंने गाड़ी साफ की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाइक साफ कर रहा हूँ, उसका भी आपको पता चल रहा है। उसके बाद फिर मुझे चाबी नहीं मिली थी जेट की, चलो जैसे कैसे करके चाबी मिल गई, फिर गाड़ी शुरू ना हो। गाड़ी शुरू नहीं हुई तो फिर अभी कैसा करें, जाना था निकलना था जल्दी। फिर गाड़ी शुरू हुई तो उसका माइक है, उसका रिसीवर घूम गया बैठे बैठे, फिर रिसीवर मिल गया तो फिर से गाड़ी शुरू ना हुए। साला क्या चल रहा था मेरी जिंदगी में तो पता नहीं। इतनी जल्दी उठा, 4:30-5 बजे का उठा हुआ इंसान है, और सारे काम निपटा नुपटा के 7 बजे निकलने का सोचा, उसमें भी दिक्कत। सबसे पहले रेडी होने वाला सबसे आखिर में पहुंच रहा है, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। अभी देखना ये जो मिथुन है वो कैसे गालियां देने वाला है मुझे। क्या कहना चाहोगे? बैठो गाड़ी जाने और कुछ तो फाइनली इससे प्लान किए थे हमने, पर एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ अपना। बट जो सबसे पहला प्लान बना था कि बुलेट लेके जाएंगे, आखिरकार वही किया। 6:30 बजे बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दिखा रही है। अबे मैं क्या सोच रहा हूँ, 6:30 बजे मतलब सुबह के बताते कि शाम के? मेरे को तो लग रहा है कॉलम देना होगा उसके कारण ये। अभी मेरे को ताने पड़ते रहेंगे, चिंता मत करो तुम लोग। हितेश क्या चल रहा है? बोल रहा प्लेसेस बुट्टीबोरी के पास प्लेसेस ढूंढ रहा है हितेश। और अपनी धन्नू कैसी लग रही है थोड़ा सा कमेंट करके बताना वीडियो में, चलने का? आज निकल रही है बुलेट गैंग, और ये महेश भी रेडी हो गया। कैसे हो भाई? भगवान जी का नाम ले लिया अभी, और यहाँ से अभी निकलते हैं। एक हमने अपनी बाइक जो है वो सबसे पीछे इसलिए रखी है क्योंकि इन चारों लोगों की हरकतें हमें पता चले, और कुछ भी हो जाए हमें हंसने का मौका मिले, इसलिए मैंने बुलेट पीछे में रखी अपनी। तो अभी क्या क्या कैसी कैसी हरकतें करते हैं ये लोग उसको अभी आप नोटिस करो। और आज अपनी गाड़ी जो है वो 1500 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगी। अपना महेश जो है ओवर कॉन्फिडेंस में हमें कहीं पे भी घुसा देता है, उसके बाद में पता चलता है कि रास्ता खराब है, रास्ता बंद है। अगला कंटेंट बैठ लाइक। और हमारे साथ में अभी फिर से एक बार कांड हो चुका है, वो ऐसा है कि हमारे जो बुलेट का साइलेंसर है वही गिर गया, तो अभी इसको बेचना है, लगाना और एक बड़ा टास्क है। वैसे तो हमें कंटेंट तो मिल चुका है, बट पर ये इतनी भंगा गाड़ी लिया कि तूने थोड़ी अच्छी तरह देख के इतना पैसा लगा, पैसा बर्बाद। ऊपर से हमारी इज्जत गाड़ी पहले ना पहले बिल्डिंग मार आवाज देखो घर हटा लिया यहाँ से, बट ये वाला अकेला लड़ रहा है। साला 9 बज गए अभी तक के, नागपुर के बाहर निकलने के अपन क्या चल रहा है? हितेश के राज में चल क्या रहा है? और तो उसको बताइए
आज एक्चुअली हम घूमने नहीं जा रहे थे, हमारी गाड़ी की छोटी मोटी जो सर्विसिंग का इशू था वो करने के लिए हम निकले थे घर से। फाइनली हम अभी पहुंच गए इस जगह पे जहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रुके। तो आज अपने साथ में है ये खूंखार जंगली प्राणी, ये मिथुन। अभिषेक से हाय टू कैमरा। हितेश एटीट्यूड मैन। प्रज्वल यो। और हिमांशु बाल वगैरह तो पूरा खराब हो चुके हैं, हमारे साथ नहीं है। नाश्ता करने के लिए आप बोलते हैं क्या लेना है? क्या लेना है वो तो बता। समोसा है आपके पास? समोसा भी है, वही भी है और मूंग पकौड़े भी है, चाय भी है। तो अभी हमारा यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके हो गया और अभी चाय पीने की इच्छा हो रही है। यहाँ पे नाश्ता उतना कुछ खास था नहीं, पर फिर भी ठीक है, थोड़ा सा जैसा था वैसा भी एडजस्ट करते। और चाय वगैरह अगर इच्छा होती है तो फिर चाय पियेंगे और फिर जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहो। हेलो फाइनल गाना मैं बोल रहा हूँ जी। उसकी टेक्निक मेरे को पता चल गई। अभी हम आ गए थे जामटा स्टेडियम पे और यहाँ पे आके चाय पी रहे और अपनी मंडली जो है यहाँ पे बैठी है। वो किधर गया? एक मैं यहाँ। चाय, डोनट और अपनी बुलेट और ये स्टेडियम।
कैसा लग रहा है ये व्यू। तो रामठा स्टेडियम से अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। बहुत देर यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया, फोटोज वगैरह निकाले और बैठे थे चाय पी रहे साइड।